हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट डार्क रूम ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट। आज हम डार्क रूम के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिल्वर रिकवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि सिल्वर रिकवरी से अपन क्या समझते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्वर, ठीक है, कि यहाँ पे जो अपना डार्क रूम है, मेन चीज़ डार्क रूम के अंदर सिल्वर कहाँ से आया, ठीक है। देन अपन बात करेंगे रिकवरी की। तो जैसा कि आप लोगों ने शायद, आपको अगर याद हो तो जो आपकी मेडिकल एक्सरे फिल्म थी उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक लेयर थी जिसका नाम था इमल्शन लेयर, ठीक है। और इमल्शन लेयर के अंदर हम कुछ सेंसिटिव क्रिस्टल्स यूज करते हैं, लाइट सेंसिटिव क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल्स थे उनके अंदर अपन सिल्वर कंपाउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले अपने को ये पता चला कि अपना सिल्वर आया कहाँ से, या फिर कौन से सिल्वर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है रिकवरी। रिकवरी का मतलब कोई चीज़ जो यूज्ड हो जाती है उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो, रीयूज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जो वेस्ट हो रही है उसको दोबारा से रिकवर करना, ठीक है। तो जैसा कि अगर अपन इस पूरे टॉपिक की बात करें सिल्वर रिकवरी, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि डार्क रूम में या फिर आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जितना भी सिल्वर यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो कहीं पे अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको अपन रिकवर करें या फिर रीयूज़ करें, ठीक है। अब कौन से मेथड से करेंगे, क्यों अपन उसको रिकवर करते हैं, क्या रीजंस हैं उसके, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे मेन बात अपनी यहाँ पे आती है कि अपने को सिल्वर की रिकवरी क्यों करनी पड़ी, ठीक है, या फिर अपन क्यों सिल्वर रिकवर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सिल्वर है, ठीक है, एजी कंपाउंड जिसको हम हिंदी में चांदी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप सभी जानते हो कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा महंगा है ये। इकोनॉमिकली अगर अपन देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अपन घर पे भी कभी चांदी को वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे जो मेन रीज़न है आपका सिल्वर को रिकवर करने का, वो केवल सिंगल रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। बाकी आपको और भी रीजंस यहाँ पे मिलेंगे, अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे रिलेटेड हैं, लेकिन जो आपकी जो मेन चीज़ आती है वो यही आती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो आगे अपन डिस्कस करते हैं अभी सिल्वर रिकवरी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिल्वर रिकवरी। जैसा कि आपको पता है अपन कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, वैसा ही यहाँ पे होगा। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है सिल्वर रिकवरी का, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। मतलब सिल्वर रिकवरी क्या होता है इसके बारे में अपन इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। सिल्वर रिकवरी मीन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिल्वर आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड इन द फोटोग्राफिक पर्पज, ठीक है। जो भी आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो आपकी फोटोग्राफिक मटेरियल है, जो भी आपका रेडियोग्राफिक पर्पज है जिसके अंदर आपने सिल्वर को यूज़ किया, ठीक है, यूज़ करने के बाद उस सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब बाहर निकालना, ठीक है, या फिर उसको रिस्टोर करना, रिकवर करना ही क्या कहलाता है, सिल्वर रिकवरी कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? एक बार दोबारा से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। कोई भी फोटोग्राफिक पर्पज, कोई भी रेडियोलॉजी पर्पज, कोई भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे अपन सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ करने के बाद में, ठीक है, अगर आप के पास वो यह ऑप्शन है कि आप सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो ठीक है, तो उस सिल्वर को बाहर निकालना और दोबारा से यूज़ करना, एक्सट्रैक्शन का मतलब बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकाल के दोबारा से यूज़ करना ही क्या कहलाता है, सिल्वर रिकवरी कहलाती है, ठीक है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सिल्वर रिकवरी। अब जैसा कि अपन को पता है
सर अपन ने स्टार्टिंग के अंदर ये बात डिस्कस की कि सिल्वर आपको मिलेगा कहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, बट अगर अपन पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो सोर्स होते हैं आपके पास सिल्वर के, जहाँ से आप सिल्वर को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो आपका मेन जो सोर्स है वो आपका क्या होता है, रेडियोग्राफिक फिल्म, जिसकी अभी अपन ने बात की। दूसरा जो सोर्स है वो रिलेटेड इसी से है, ठीक है, लिंक्ड भी इसी से है। इसी सोर्स से उस सेकेंड सोर्स के अंदर आपका सिल्वर ट्रांसमिट होता है। तो पहले अपन दोनों सोर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एग्जॉस्टेड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जॉस्टेड का मतलब जो सॉल्यूशंस आपके खराब हो चुके हैं, ठीक है। अब डार्क रूम के अंदर आप प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस काम में लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर अभी आपको सिल्वर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो आपका जो मेन सोर्स है फर्स्ट क्या था, यहाँ पे मेडिकल एक्सरे फिल्म, ठीक है। तो जो एक्सरे फिल्म का सिल्वर है, जब आप फिल्म को प्रोसेस कराते हो तो कुछ अमाउंट में सिल्वर उन सॉल्यूशंस के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो दैट मींस अब वो सॉल्यूशंस भी आपके क्या हुए, सिल्वर रिकवरी के सोर्सेज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अपने सॉल्यूशंस होते हैं मेनली वो डेवलपर होता है, ठीक है, और फिक्सर होता है, दो मेनली सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के अंदर जो फिक्सर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सिल्वर के कंपाउंड्स ज़्यादातर रहते हैं। दैट मीन्स फिक्सर सॉल्यूशन एक मेन सोर्स है जिससे आप सिल्वर को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे डिस्कार्डेड फिल्म मटेरियल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है, जिनको आपने यूज़ में ले लिया है, ठीक है, जिनको आपने पेशेंट को दे दिया है, जिनको आप दोबारा से अपने पास नहीं ला सकते, उनका आप सोर्स में नहीं लोगे, बट कुछ ऐसी फिल्म या फिर कुछ ऐसा फोटोग्राफिक मटेरियल जो डिस्कार्ड कर दिया गया है, मतलब जो वेस्टेज है, ठीक है, आपको उसको एज अ वेस्टेज थ्रू आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस फिल्म मटेरियल से सिल्वर को रिकवर कर सकते हो। तो जो आपका सेकेंड सोर्स है वो है डिस्कार्डेड फिल्म मटेरियल, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले अपन अगर बात करें मेन सोर्स की यहाँ पे, तो आपका जो मेन सोर्स है वो यहाँ पे एक्सरे फिल्म ही है। दूसरा जो आपका सोर्स है यहाँ पे, जो फिक्सर सॉल्यूशन है, फिक्सर सॉल्यूशन में भी एजी का कंपाउंड या फिर सिल्वर का कंपाउंड जाता कहाँ से है, एक्सरे फिल्म से ही जाता है, ठीक है। और वैसे अगर अपन बात करें तो आपके पास दो सोर्स हो गए, एक आपका फिक्सर सॉल्यूशन और एक आपकी वेस्टेज एक्सरे फिल्म या फिर डिस्कार्डेड फिल्म मटेरियल, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी मेन सोर्सेज की कि कहाँ से आप सिल्वर को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री यूज एन अबाउट 1/4 to 1/3 ऑफ ऑल द सिल्वर यूज इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, पूरी जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप एजी को यूज कर रहे हो, उसमें टोटल जो आपका सिल्वर है उसमें से या तो उसका 1/4 भाग या फिर उसका 1/3 भाग ही यूज में आता है, बाकी का जो बच गया, ठीक है, अगर अपन मेनली मान के चले 1/3 या फिर 1/3 पार्ट को, ठीक है, तो आपका जो 1/3 पार्ट है वही आपका काम में आता है, बाकी का जो बच गया 2/3 वो आपका वेस्टेज जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें जितना भी सिल्वर आता है, ठीक है, टोटल टोटल में से आपका 1/3 पार्ट आपके यूज में आता है, ठीक है, और जो आपका 2/3 होता है वो आपका वहां पे वेस्टेज जाता है। उसके वेस्टेज जाने के अलग अलग सोर्सेज है, किसी भी तरीके से वो वेस्ट में जा सकता है, ठीक है। तो अपना मेन यहाँ पे एम क्या होगा कि जो वेस्ट जा रहा है उसको रिकवर करना, ठीक है। इट इज सेड दैट अबाउट 2/3 क्वांटिटी ऑफ यूज्ड बाई फोटोग्राफिक इंडस्ट्री कैन बी यू रिकवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2/3, जो 2/3 भाग जो आपका आपने यूज कर लिया था और उसके बाद में भी वो वेस्ट जा रहा है, उसको आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। उसको आप रिकवर कर सके बहुत सारी चीज़ों के अंदर, प्रॉफिट कर सकते हो। मेन आपका यहाँ पे होता है कॉस्ट, ठीक है, आप कॉस्टली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन रीजंस के कारण अपन सिल्वर को रिकवर करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो फिक्सर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें सिल्वर कैसे
कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे आता है। अपन ने ये तो बात आपको ये तो सिंपल से समझ में आ गया कि एक्सरे फिल्म के अंदर अपना सिल्वर होता है, ठीक है। उसके इमल्शन लेयर के अंदर जो सिल्वर के होते हैं क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो अपन ने उसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब अपन बात करें कि यहाँ पे फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर कैसे होता है, ठीक है। या फिर अपना दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डेवलपर में कैसे नहीं होता। वैसे इसका आंसर आपको जो आपका मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा कि फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर कैसे आया, ठीक है। तो अपन डिटेल में एक बार उसको पढ़ लेते हैं या फिर उसको समझ लेते हैं सुपरफिशियली कि कैसे आता है। जो आपका डेवलपर होता है, डेवलपर का काम क्या होता है कि जो एक्सपोज्ड सिल्वर होता है उसको ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करना, ठीक है। दैट मीन्स वो वहाँ से एक भी सिल्वर के क्रिस्टल को रिमूव नहीं कर रहा। तो इस वजह से डेवलपर के सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर के कंपाउंड्स या फिर सिल्वर के क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। बट जो आपका फिक्सर था, फिक्सर का क्या काम था, जो अनएक्सपोज्ड AgBr था उसको फिल्म में से रिमूव करना, ठीक है। और अगर वो फिल्म में से रिमूव करेगा तो वो जो रिमूव किया AgBr के क्रिस्टल्स या फिर सिल्वर के जो क्रिस्टल्स की अपन मेनली बात करें यहाँ पे, वो सिल्वर के क्रिस्टल्स तो ऑब्वियसली फिक्सर के सॉल्यूशन के अंदर ही तो जाएंगे, ठीक है। तो फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर कहाँ से आए अपने को पता चला, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, इन यूज्ड फिक्सर सिल्वर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ द फिक्सिंग एजेंट, ठीक है। फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर एक फिक्सिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि जो आपके अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड्स के क्रिस्टल्स हैं, इमल्शन लेयर के अंदर अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड के जो क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को वो रिमूव करता है और सॉल्यूशन के अंदर मिला देता है। दैट मींस यहाँ पे अपन ने वो चीज़ें डिस्कस नहीं की, यहाँ पे अपन ने लिखा सिल्वर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस, सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में सिल्वर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, विच इज फॉर्म जो कि कैसे बनता है, ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ द फिक्सिंग एजेंट। जब आपका फिक्सिंग एजेंट फिल्म के ऊपर केमिकल एक्शन करता है, रिएक्शन करता है, वर्किंग करता है, उस वजह से सिल्वर होता है वो सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बदल जाता है और फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है, ठीक है। इन प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ, अब अपन बात करते हैं कि प्रोसेस्ड जो आपकी रेडियोग्राफ है उसके अंदर सिल्वर कहाँ से आया, ठीक है। अपन ने ये तो बात कर ली सॉल्यूशन में कहाँ से आया, अब अपन एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि जो आपकी रेडियोग्राफ है जो प्रोसेस होके आ चुकी है उसमें सिल्वर कहाँ से आया। इन प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ सिल्वर इज प्रेजेंट एज ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट दैट फॉर्म्स एन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑन द फिल्म। दीज फिल्म्स आर डिप्ड इन द फिक्सर सॉल्यूशन टू रिमूव इमल्शन एंड हेंस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम देम। अब अपन बात करते हैं कि प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ में कैसे आया। प्रोसेस्ड जो आपकी रेडियोग्राफ है उसके अंदर पहले दो पार्ट थे, एक एक्सपोज्ड AgBr और एक अनएक्सपोज्ड AgBr, ठीक है। जो आपका एक्सपोज्ड AgBr था वो प्रोसेसिंग के टाइम पे ब्लैक मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी फिल्म के ऊपर डेंसिटी आती है, जिसको आप ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हो, ठीक है। इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं कि दूसरा जो अनएक्सपोज्ड बचा, ठीक है, तो जो अनएक्सपोज्ड AgBr के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप हो गए, तो उनको अपन ने कहाँ से रिकवर करा, फिक्सर सॉल्यूशन से रिकवर। दैट मींस फिल्म पे कौन से बचे, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर, ठीक है। दैट मींस जो एक्सपोज्ड AgBr के जो क्रिस्टल्स थे जिनको डेवलपर सॉल्यूशन ने ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट किया था वो आपके फिल्म के ऊपर बच जाते हैं और आप उनको रिकवर कर सकते हो। अब उनको कैसे करोगे कि जो एक्सपोज्ड AgBr था उसको आप क्या करा सकते हो, फिक्सर के साथ रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो फिक्सर सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ समय बाद पहले उसका वर्किंग क्या होता है, अनएक्सपोज्ड AgBr को रिमूव करना, कुछ समय बाद या फिर जब आप उसकी स्ट्रेंथ हाई कर देते हो तो वो क्या करेगा, एक्सपोज्ड AgBr के क्रिस्टल्स को भी रिमूव कर देगा और फिर अपन फिक्सर सॉल्यूशन से अलग अलग मेथड से सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपका रेडियोग्राफ के अंदर सिल्वर कहाँ से आया, इन प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ सिल्वर इज प्रेजेंट एज ब्लैक मेटेलिक, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर के रूप में यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट रहता है। डिपॉजिट दैट फॉर्म एन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑन द फिल्म, जो फिल्म के ऊपर ऑप्टिकल डेंसिटी बनाता है। दीज फिल्म्स आर डिप्ड इन द फिक्सर सॉल्यूशन, इन फिल्म्स को हम फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं टू रिमूव इमल्शन, इमल्शन को रिमूव करने के लिए, एंड हैंस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम देम। इस प्रोसेस से हम उनसे सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। Now we will discuss about the reasons for silver recovery.
अभी तक अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, वैसे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं मेनली रीजंस फॉर सिल्वर रिकवरी, कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते हमको सिल्वर को रिकवर करने की ज़रूरत पड़ी। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको, मेनली एक ही रीजन है जो इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट। आपका जो सिल्वर कंपाउंड है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इसको रिकवर करते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस अपन ने मेंशन किए हैं। सिल्वर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स विच इज़ लिमिटेड, सो इट्स कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। चांदी है वो आपका एक नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है, विच इज़ लिमिटेड, जो कि लिमिटेड है, ठीक है। आपके जो अर्थ के अंदर आपको सिल्वर मिलता है नेचुरल सोर्स के रूप में, पता है लिमिटेड है, जितना है उतना ही है, तो इसका कंजर्वेशन जरूरी है, इसको बचा के रखना जरूरी है, ताकि आगे अपन फ्यूचर के लिए भी इसको काम में लेने के लिए रख सकें, ठीक है। ताकि फ्यूचर के अंदर अपन इसको काम में ले सकें, अगर इसको अपन पहले ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर के लिए फिर अपने पास क्या बचेगा, फ्यूचर के लिए सोर्सेज नहीं होंगे। ये चीज़ें अपन ने नेचुरल सोर्सेज में अपन पढ़ते आए कि जो भी नेचुरल सोर्सेज है उनको जितना बचाया जा सके उतना बचाया जाए, ठीक है। रिकवरी ऑफ सिल्वर रिड्यूसेस द फिल्म कॉस्ट, दैट मीन्स जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पे आप सिल्वर को रिकवर कर रहे हो, अगर आप सिल्वर को रिकवर कर लेते हो तो उससे क्या होगा, आपके पास सिल्वर आएगा, सिल्वर ऑब्वियसली कॉस्टली है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपको नई फिल्में चाहिए होंगी उस वक्त आप उस सिल्वर को एक्सचेंज करा सकते हो, ठीक है। और जब आप कंपनी को अगर वो सिल्वर दोगे रिकवर्ड, ठीक है, तो उस वक्त आपकी जो नई फिल्में आई हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स जो मेन रीज़न है कि सिल्वर आपका यहाँ पे महंगा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसी वजह से अपन इसको रिकवर करते हैं, ठीक है। सिल्वर कमांड्स ए हाई प्राइस, सो इट्स रिकवरी इज प्रॉफिटेबल। आ गए अपन अपनी बात पे कि सिल्वर हाई प्राइस कमांड करता है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, सो इट्स रिकवरी इज प्रॉफिटेबल, इस वजह से इसकी रिकवरी अपने लिए फ़ायदेमंद होती है, इस वजह से अपन सिल्वर को रिकवर करते हैं। तीन रीजन अभी अपन ने पढ़े हैं, जिसमें मेन रीजन आपका यहाँ पे कॉस्ट का है, बट दूसरा रीजन एक नेचुरल रिसोर्सेज का भी है कि ये आपका प्राकृतिक सोर्स है, लिमिटेड है, ठीक है, तो इसको कंजर्व करना यानी मतलब बचा के रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप सिल्वर को रिकवर करते हो तो आपकी जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, और तीसरा हाई प्राइस है इसकी, तो इसकी रिकवरी अपने लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम फिक्सर सॉल्यूशन रिजल्ट्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ केमिकल्स, ग्रेटर क्वालिटी इन द इमेज दैट आर फिक्स्ड, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ केमिकल्स। ऑब्वियसली बात है कि आपका जो फिक्सर सॉल्यूशन है उसके अंदर सिल्वर के कंपाउंड्स चले गए, ठीक है। जब उसमें धीरे धीरे सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठा होने लगते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, ठीक है, उसकी वर्किंग की जो पावर है वो कम होने लगती है। बट अगर उसमें से आप सिल्वर को रिकवर कर लेते हो तो फिर क्या होगा, एज ए वो प्योर फिक्सर सॉल्यूशन आपका बच जाएगा, आप उसको काम में ले सकते हो। दैट मीन्स कि आप फिक्सर सॉल्यूशन की जो वर्किंग पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे है रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम फिक्सर सॉल्यूशन रिजल्ट्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ केमिकल्स, दैट मीन्स अगर आप फिक्सर सॉल्यूशन से सिल्वर को रिकवर कर लेते हो तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि आपके केमिकल हैं उनकी दक्षता ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। कोमा, ग्रेटर क्वालिटी इन द इमेज दैट आर फिक्स्ड। अब क्या होगा, अगर जो केमिकल्स का उनकी एफिशिएंसी ही इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स उनकी दक्षता ही बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें जो भी फिल्म प्रोसेस होगी उसकी इमेज क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। ग्रेटर क्वालिटी इन द इमेजेस दैट आर फिक्स्ड, इमेज की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ केमिकल, आपने केमिकल से क्या निकाला है, सिल्वर निकाला है, चांदी निकाला है, ऑब्वियस से आपको पता है कि इसकी रेट हाई है, इसके एक्सपेंसेस हाई है, तो अब आपका जो केमिकल मिलेगा आपको वो सस्ता मिलेगा, उसकी आपको कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे फायदे हुए, बहुत सारे रीजंस हुए सिल्वर रिकवरी के, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्सर सॉल्यूशन विच आर डिस्चार्ज्ड इन द ड्रेन्स, ऑब्वियसली बात है फिक्सर सॉल्यूशन जो आपका खराब हो चुका उसको आप क्या करोगे, सीवेज के अंदर ड्रेन करोगे, ठीक है, या फिर कोई और भी जो भी सोर्स होगा वहां पे आप उसको ड्रेन करोगे, ठीक है। विद देयर इम्प्योरिटीज, उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है कंटेनिंग सिल्वर,
और उस इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या है, सिल्वर है, इज हार्मफुल कैन क्योज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो क्या करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। सो इट इज़ बेटर टू रिकवर द इम्प्योरिटीज, जब अपने पास ऑप्शन है कि अपन इम्प्योरिटीज़ को रिकवर कर सकते हैं, तो क्यों ना उन इम्प्योरिटीज़ को रिकवर किया जाए और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ने से रोका जाए, ठीक है। फ्रॉम द सॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्जिंग, फिक्सर सॉल्यूशन को डिस्चार्ज करने से पहले उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, और यहाँ पे उसमें इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं, सिल्वर की हैं, तो ऑब्वियसली बात है अपन उनको रिकवर करके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, अपनी जो कॉस्टली जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, फिल्म्स आ रही हैं, सॉल्यूशंस आ रही हैं, उनकी कॉस्ट कम कर सकते हो। यह एक नेचुरल सोर्स है, लिमिटेड है, दैट मीन्स इसको आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। मेनली अगर अपन बात करें रीजन्स को, अगर टिप्स पे एक बार दोबारा से रिमाइंड करें, तो फर्स्ट आपका होता है कि सिल्वर एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है, जो कि लिमिटेड है, इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपन सिल्वर को रिकवर करते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट रीजन है, ठीक है। सेकेंड रीजन आता है मोस्ट आपका इसका कॉस्ट का, सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप इसको रिकवर कर लेते हो तो इसके रिप्लेस में आप अपनी रेडियोग्राफिक फिल्म की कॉस्ट को कम कर सकते हो, केमिकल की कॉस्ट को कम कर सकते हो, और इसकी रिकवरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, प्रॉफिटेबल होगी। तीसरा मेन जो आपका फिक्सर सॉल्यूशन है, जिसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ड्रेन आउट कर रहे हो, दैट मीन्स वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देगा। अगर आपको मौका मिल रहा है, आप उसमें से सिल्वर को रिकवर कर सकते हो, इम्प्योरिटीज़ को रिकवर कर सकते हो, तो क्यों ना उस इम्प्योरिटीज़ को रिकवर किया जाए, ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो और आपके केमिकल की कॉस्ट भी कम हो, ठीक है। लास्ट जो आपका फिक्सर सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें से सिल्वर को रिकवर कर लेते हो, तो उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इमेज क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपके फिक्सर सॉल्यूशन की कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। ये आपके मेन इम्पोर्टेंट रीजंस हैं यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे जो सिल्वर रिकवरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण अपना जो सिल्वर रिकवरी का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सिल्वर रिकवरी, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सिल्वर की रिकवरी को इफेक्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट है यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द रिकवरी सिस्टम। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि रिकवरी के कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, कौन कौन से अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। जब अपन कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी वर्किंग की जो मशीन है या फिर वर्किंग जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसकी दक्षता कितनी है, वही डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोसेस हो रही है वो कितनी सक्सेसफुल है। यहाँ पे अपन सिल्वर को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन एक फैक्टर है वो क्या होगा कि जो प्रोसेस हो रही है उनकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उनकी दक्षता या फिर उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर को रिकवर कर सकते हो। दैट मीन्स आप 100 तो नहीं बट वेस्ट में से 99% सिल्वर को रिकवर कर सकते हो, बिकॉज किसी भी प्रोसेसिंग की या फिर किसी भी मशीन की किसी भी वर्किंग की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो मतलब आप वहाँ से ज़्यादा सिल्वर को रिकवर कर सकते हो, बट आपकी प्रोसेसिंग की या फिर आपकी वर्किंग मशीन्स की अगर दक्षता ही कम है तो ऑब्वियस बात है सिल्वर आपको कम ही मिलेगा वहां पे रिकवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ द फिल्म विच आर प्रोसेस, आप जो फिल्म्स यूज कर रहे हो, फिल्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप सिल्वर हैलाइड्स के क्रिस्टल्स यूज करते हो, सिल्वर हैलाइड्स के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स पे भी डिपेंड करता है कि सिल्वर की रिकवरी कितनी की जा सकती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कंपाउंड्स पे या फिर ग्रेन की स्ट्रक्चर पे आपकी फिल्म के टाइप्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि सिल्वर कितना रिकवर हो सकता है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग ग्रेन स्ट्रक्चर के, अलग अलग कंपाउंड्स आप काम में लेते हो, सिल्वर हैलाइड्स के अंदर भी कई प्रकार के सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, तो उन पर डिपेंड करता है कि उनमें से कितनी सिल्वर की रिकवरी हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है अनडेवलप्ड एरिया ऑफ द फिल्म और द एरिया विच इज रिमेनिंग टू बी फिक्स्ड। बात कर रहे हैं अपन कि दो एरिया थे यहाँ पे, एक अनडेवलप्ड और एक डेवलप्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, उसमें जो सिल्वर था वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में, लेकिन जो अनडेवलप्ड था जिसको फिक्सिंग की थी फिक्सर सॉल्यूशन ने, उस पर डिपेंड करता है कि सिल्वर कितना रिकवर होगा। अगर आपका अनडेवलप्ड एरिया ज़्यादा होता है तो सिल्वर आप ज़्यादा निकाल सकते हो, और अगर अनडेवलप्ड एरिया कम होगा तो सिल्वर ऑब्वियस सी बात है आपको कम ही रिकवर होने को मिलेगा। द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट आर प्रोसेस्ड इन द फिक्सर सॉल्यूशन, फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर आप जितनी ज़्यादा नंबर में फिल्म्स को प्रोसेस कराओगे उतनी ही अमाउंट में आपको सिल्वर रिकवर होने को मिलेगा। ये तो आपको भी पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी फिल्म वेस्ट होंगी, अपन बोल सकते हैं इस प्रकार कि जितनी ज़्यादा आपको फिल्म मिलेंगी रिकवर करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है आप अगर कोई भी वर्क करते हो तो उसके लिए अगर आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। सेम उसी प्रोसेस को अगर अपन यहाँ पे कंपेयर करें तो इस प्रोसेस में आपका रॉ मटेरियल क्या है, वेस्ट फिल्म्स, ठीक है, वेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपके पास वेस्ट सॉल्यूशन ज़्यादा है, वेस्ट फिल्म ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है सिल्वर की रिकवरी आपके पास ज़्यादा होगी। बट अगर अपन वैसे बात किया करें तो जो आपका वेस्ट फिल्म अपन एक तरफ चाहते हैं, अगर अपन सिल्वर रिकवरी करना चाहते हैं तो अपन ये भी चाहते हैं कि आपके पास वेस्ट फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिक्सर सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसके कारण अपन ज़्यादा सिल्वर रिकवरी कर सके। बट इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिल्वर के कंपाउंड्स को वेस्ट करना पड़ेगा, सिल्वर की फिल्म्स, सिल्वर के कंपाउंड्स जिन फिल्म में, उन फिल्म्स को वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से अपना मेन ये होना चाहिए, एम यहाँ पे यही होना चाहिए कि अपन कम से कम क्या करें, फिल्म्स को वेस्ट करें, ठीक है, ताकि अपने को कम से कम सिल्वर की रिकवरी करनी पड़े, ठीक है। दैट मीन्स इंडस्ट्री में जितना आपका सिल्वर कंपाउंड आ रहा है उसको आप वन टाइम यूज़ करो, ठीक है, वन टाइम यूज़ करोगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आज का अपना ये टॉपिक था सिल्वर रिकवरी, जिसके अंदर अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, इनके रीजंस के बारे में कि किन किन रीजंस के कारण अपने को सिल्वर रिकवर करना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिल्वर को या फिर सिल्वर रिकवरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।